हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बीएससी ऑनर्स पार्ट टू। आज हम स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का जो आपका चैप्टर वन है उसका लेक्चर फोर आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। लेक्चर थ्री में आपको याद होगा मैंने ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये आपको एक्सप्लेन किया था। इसके रिगार्डिंग हमने एक डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने डिस्कस किया था। इसका टाइटल है सेकेंडरीज, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इसलिए मैं आपको इसको एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए, आप इस डायग्राम में हमारे पास एक ग्रेट सर्किल है, ये ग्रेट सर्किल, ठीक है। ग्रेट सर्किल हम किसे कहते हैं? अगर किसी स्फीयर को एक ऐसा प्लेन कट करे जो कि उसके सेंटर से पास हो, तब उस स्फीयर और उस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बनता है वो कहलाता है ग्रेट सर्किल। यहाँ पर हम इस ग्रेट सर्किल की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए। ग्रेट सर्किल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम होता है। यहाँ पर देखिए, अभी सेंटर हमारा इसका ओ है ये, और ग्रेट सर्किल की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ग्रेट सर्किल की रेडियस और स्फीयर की रेडियस भी सेम होती है। तो सबसे पहले हमने समझा यहाँ पर कि ग्रेट सर्किल हम किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने ग्रेट सर्किल वन कंसिडर कर लिया है। अब हम बात करते हैं इस ग्रेट सर्किल के पोल्स की। किसी भी ग्रेट सर्किल के, इवन स्मॉल सर्किल के भी दो पोल्स होते हैं। तो देखिए, आप ये इस ग्रेट सर्किल के पोल्स हैं एन और एस। ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट एस है ना। आप याद प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कीजिए, मैंने आपको इसमें एक्सिस और पोल्स समझाए थे। तो ये एन और एस कौन है? ये एन और एस हैं ग्रेट सर्किल नंबर वन के पोल्स। अब आप इमेजिन कीजिए, ये तो आप इमेजिन कर ही पा रहे होंगे कि ये एक स्फीयर है, यानी इट इज़ अ बॉल, और एन और एस इसकी सरफेस पर स्थित दो पॉइंट्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एन सबसे ऊपर का पॉइंट है और एस सबसे नीचे का पॉइंट है, और एन से एस तक जो लाइन स्फीयर के अंदर जा रही है, देखिए ऐसे डॉटेड लाइन अंदर आप इसको देखिए, ये एक इसका वर्टिकल डायमीटर, इसको आप समझ सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एन से स्टार्ट करके एस तक ग्रेट सर्किल आर्क बना रहे हैं। देखिए आप, ये रेड कलर में दो बने हुए हैं। देखिए ये यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, देखिए एन से ये स्टार्ट हुआ कोई सा भी आर्क, ये आर्क जाकर एस को मिल रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही एन से स्टार्ट होकर ये दूसरा आर्क चला, ये एस को जाकर मिला। तो ये दोनों आर्क जो हैं, और इसी तरह के अगर हम और भी ग्रेट सर्किल आर्क बने, देखिए मैं और सारे बना सकता हूँ, मैं आपको ग्रीन कलर से बना के बताता हूँ। जैसे देखिए मैंने ऐसे बनाया, एन से स्टार्ट होकर एस तक जा रहे हैं अपन, फिर एन से स्टार्ट होकर एस तक जा रहे हैं। तो ये जितने भी आर्क्स हम बना रहे हैं ये सभी ग्रेट सर्किल आर्क हैं। ग्रेट सर्किल आर्क कैसे हैं? क्योंकि अगर आप इन सबको कंप्लीट करें, देखिए आप इस, अब सपोज अपन इसकी बात करते हैं, इसकी कंप्लीट करने का मतलब मैं ऊपर से एन से स्टार्ट होकर ऐसे एस तक आया, और इसको अगर मैं वापस यहाँ से मोड़ता हुआ ऊपर चला जाऊँ तो ये एक पूरा सर्किल बन जाता है, या कहना चाहिए पूरा एक ग्रेट सर्किल बन जाता है। तो हम यहाँ पर ग्रेट सर्किल है ये, पर हम इसका केवल हाफ आर्क ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ग्रेट सर्किल ही समझेंगे, इसको, इस वाले को। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल बोलें या ग्रेट सर्किल आर्क बोलें। तो ये जो दो ग्रेट सर्किल आर्क आपको दिख रहे हैं, या ग्रेट सर्किल दिख रहे हैं रेड कलर में, ये कहलाते हैं ग्रेट सर्किल नंबर वन की सेकेंडरीज, इसकी सेकेंडरीज, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देखिए, ऑल द ग्रेट सर्किल्स, ठीक है, यहाँ पर अपन इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं रेड कलर वाले ग्रेट सर्किल्स की, और जो मैंने ग्रीन कलर में बनाए थे वो भी। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? विच पास थ्रू द पोल्स ऑफ ए गिवन ग्रेट सर्किल,
आर कॉल्ड सेकेंडरीज टू द गिवन ग्रेड सर्कल। यानी कि ये जो मेरे पास दो ग्रेड सर्कल हैं जिस पर मैंने ऐसे एरो लगा रहा हूँ लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रेड सर्कल इस ग्रेड सर्कल नंबर वन की सेकेंडरीज कहलाएंगे। और फिर हमने आगे क्या लिखा है, विच इन टर्न इज कॉल्ड ए प्राइमरी सर्कल। मतलब ये जो सर्कल नंबर वन है ये खुद प्राइमरी सर्किल कहलाएगा। ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको लास्ट टर्न पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए आई हैव रिवाइज्ड इट। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक डेफिनेशन की, इसका की टाइटल है स्फेरिकल एंगल बिटवीन टू ग्रेट सर्कल। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर एक स्फीयर पर दो ग्रेट सर्किल बने हुए हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। ध्यान समझना, हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू ग्रेट सर्किल्स। तो ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपका बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है, पुराना, जिसको कि आप अपने इवन स्कूल लेवल में भी आप जानते होंगे। मैं आपको देखिए ऐसे याद कराता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दो कर्व है, प्लेन कर्व है, मान लीजिए ये नंबर वन कर्व, ये नंबर टू कर्व, ये दोनों कर्व एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं इंटरसेक्ट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन कर्व्स के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो एंगल के लिए आप इसको या इसको नहीं बोलोगे, ये एंगल, ये एंगल बिटवीन कर्व नहीं है। एंगल बिटवीन कर्व्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट पर हम इन दोनों कर्व्स की टेंजेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे, टेंजेंट। देखिए जरा, ये है आपकी टेंजेंट टू द कर्व वन, यानी ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है। फिर ये है टेंजेंट टू द कर्व टू। ठीक है, तो जो एंगल इन टेंजेंट्स के बीच होगा वो एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन कर्व्स। यानी कि हम अगर शुरू से याद करें कि हम एंगल शब्द कब काम में लेते थे, इसको हम कहते हैं हिंदी में कोण। एंगल का मतलब हम लेते थे दो लाइंस के बीच का एंगल। तो यहां पर भी एंगल कर्व के बीच को जो एंगल को हम समझ रहे हैं वो एक्चुअली उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींची गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। और टेंजेंट्स क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। तो यही सेम कंसेप्ट देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, बस यहाँ एक वर्ड आ रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल वर्ड क्यों आ रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप देखिए हम एंगल यहाँ पर किसके बिटवीन समझना चाहते हैं, एंगल बिटवीन टू ग्रेट सर्कल्स। जैसे आप इधर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इन ग्रेट सर्कल की, ये वाला जो रेड कलर में बने हुए हैं, तो ये भी दो कर्व है, तो इनके जो बीच का एंगल होगा वो किसके इक्वल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू देम एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब वही सेम डेफिनेशन। इधर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आपको दो ब्लैक कलर में लाइन दिख रही है जिसको मैंने नंबर वन और टू डाल रखा है, दिख रही है, तो ध्यान से समझना आप। ये जो ब्लैक कलर में लाइन नंबर वन है, ये वाली, ये जो आपका, इधर देखिए आप, मैं अलग से बना के बताता हूँ आपको, जो ग्रेड सर्किल आपका NQS है, NQS ग्रेड सर्किल को देखो मैं यहाँ बनाता हूँ S, N और लास्ट पॉइंट S है और बीच में Q। तो इस फिगर में पकड़ने की कोशिश कीजिए आप, देखिए ये रहा NQS ग्रेड सर्किल। इस ग्रेड सर्किल के पॉइंट N पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट, इसका हमने नंबर या नंबर नाम रख रखा है वन। ठीक है, सिमिलरली दो नंबर की टेंजेंट किसकी है, वो NPS ग्रेड सर्किल की है, ये दिख रही है आपको। अच्छा, अब ये टेंजेंट्स मैंने N पर ही क्यों ड्रॉ की, बताइए इसका क्या आंसर है। क्योंकि देखिए साहब, हमारी डेफिनेशन क्या है, हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं इन दोनों ग्रेड सर्किल के बिटवीन। तो जिन कर्व्स के बिटवीन एंगल हम, जिस कर्व्स के बिटवीन के एंगल की हम बात करना चाहते हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों
ग्रेट सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो एन है, देखिए इधर आप ये एन पर मिल रहे हैं, या एस है। तो ये जो काम टेंजेंट्स खींचने का मैंने एन पे किया, ये मैं एस पे भी कर सकता हूँ। तो सुविधा के लिए मैंने इसको किस पे किया, एन पे किया है, ठीक है। तो पॉइंट एन पर यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो दो टेंजेंट्स आपको दिख रही हैं, देखिए इधर ये नंबर वन और नंबर टू, इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एरो, ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन एनपीएस एंड एनक्यूएस, यानी एंगल बिटवीन टू ग्रेड सर्कल्स। यही बात मैंने यहां लिखी है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए हमको कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज समझने हैं। एक तो देखिए इसके जस्ट बाद आपको आपके लेक्चर में और पीडीएफ में एक नोट लिखा हुआ मिल रहा है, एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये थोड़ा सा अभी आपको मैं स्किप करवा रहा हूँ, ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमको एक थोड़ी सी थ्योरी और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम आप स्किप करके सीधे इस पर आ रहे हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पर हमको एक आइडिया डिस्कस करना है, एक बात प्रूव करनी है कि दो ग्रेट सर्कल्स, टू ग्रेट सर्कल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या मतलब इसका। देखिए इस फिगर में ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर पर दो ग्रेट सर्कल बने हुए हैं, बताइए कौन कौन से, क्या नाम है उनके। तो देखिए पहले वाले ग्रेट सर्कल का नाम रखा हुआ है ए सी बी डी, तो पकड़िए इसको आप, ए सी बी डी कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए ए, ये रहा ए, फिर ये सी चल रहा है ये, फिर ये बी आ गया, फिर ये डी आ गया। तो ये ब्लू कलर से जो मैंने एरो किए, ये पहला ग्रेट सर्किल है। और अनदर ग्रेट सर्किल कौन सा है, ए ई एफ बी एफ, देखिए इधर ये ए से चले अपन, फिर ई पर आए, फिर वापस बी पर आए, और वापस फिर अपन एफ पर आ गए, एफ पर आकर फिर ए पे आ गए। और आपने ध्यान से बात नोट की कि मैंने इन दोनों ग्रेट सर्किल को का नाम रखने के लिए चार चार पॉइंट्स की हेल्प ली है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, कभी भी हम ग्रेट सर्किल को कोई भी तीन पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले फिगर में देखिए, मैंने ग्रेट सर्किल का नाम रखा था एनपीएस, दूसरे का रखा था एनक्यूएस, तो वहाँ पर ग्रेट सर्किल को डिनोट करने के लिए हमने तीन पॉइंट्स ही यूज़ किए थे, यहाँ पर चार के यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रीज़न देखिए ये है कि एक्चुअली ये जो पॉइंट ए और बी है ना साहब, ये इन दोनों ग्रेट सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब ये दोनों ग्रेट सर्किल ब्लू और रेड वाले ए और बी बिंदुओं पे कट कर रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। और फिर ए बी कौन हुई साहब, ए बी हुई इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ग्रेट सर्किल जो स्फीयर पर बना हुआ है वो कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, जब किसी स्फीयर को एक प्लेन ने कट किया तो एक सर्किल बनता है। तो ये जो प्लेन एक्चुअली सर्किल कैसे बना, एक प्लेन की वजह से बना। तो ये जो दोनों सर्किल है मेरे, जो ऊपर मैंने अभी नाम रखे ए सी बी डी और ए ई एफ बी, ये भी इस स्फीयर को दो प्लेन के काटने से बने। तो वो जो प्लेन्स हैं, देखिए आप, एक तो ये रहा प्लेन, इससे ये रेड कलर वाला सर्किल बनेगा, और दूसरा हमारा प्लेन ये है, इससे ये वाला बनेगा ए सी बी डी वाला। तो एक्चुअली हम हमारे 12th के नॉलेज से और इवन 3D की नॉलेज से, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, हम क्या जानते हैं कि कोई भी जो दो प्लेन होते हैं वो हमेशा एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको दो प्लेन्स बनाए शेड करके, वो प्लेन थे, उनसे सर्किल बने, और उन प्लेन के काटने से जो लाइन बनी वो लाइन है ए बी। ये दिख ही रहा होगा आपको, ये एक्चुअली कौन है, ये द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स या टू प्लेन्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमको जो बात प्रूव करनी थी वो क्लियर समझ में आ रही है हमारे को, कि ए बी पर आकर ये सर्किल कट हो रहे,
दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ए बी के दोनों तरफ इन सर्किल्स के जो पार्ट हैं, देखिए जैसे हम इस सर्किल की बात करते हैं पहले, तो ए बी लाइन के एक और वाला पार्ट ये रहा जो ए बी लाइन के एक साइड है, और ए बी लाइन के जो दूसरी ओर वाला पार्ट है देखिए वो ये रहा। क्या ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी साहब कौन है? ए बी इस सर्किल का डायमीटर है। ए बी कौन है? ये दोनों ही सर्किल की डायमीटर है। तो अभी हम इस सर्किल की बात कर रहे हैं तो इसकी भी डायमीटर हो गई है। तो डायमीटर के दोनों ओर जो सर्किल के पार्ट होते हैं वो सेमी सर्किल होते हैं, यानी ये भी एक सेमी सर्किल है ब्लू कलर वाला, और ये भी एक सेमी सर्किल है ग्रीन कलर वाला। तो जो डिस्कशन मैंने अभी इस सर्किल पे किया, किस पे किया मैंने अभी ये वाला डिस्कशन, ये डिस्कशन मैंने किया ए ई बी एफ के लिए, वही डिस्कशन आप कर सकते हो ए सी बी डी के लिए। अर्थात इतना पार्ट ए सी से बी तक का पार्ट और ए डी से बी तक का पार्ट, ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे? सेमी सर्किल होंगे। तो इस प्रकार मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि दो ग्रेट सर्कल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पर समझना था मुझे। अब देखिए, अब आज हम इस लेक्चर का एक बहुत ही लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहे हैं, एक डेफिनेशन है साहब ये, इसका टाइटल है पोलर ट्रायंगल। डिफाइन ए पोलर ट्रायंगल, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत आती है, देखिए ध्यान समझना आप। सबसे पहले देखिए मैंने स्टार्ट किया है, लेट ए बी सी बी एनी स्फेरिकल ट्रायंगल। अब आप याद कीजिए, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, पर ध्यान समझना आप, ये नॉर्मल प्लेन ट्रायंगल नहीं है, ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल किसे कहते हैं साहब, याद कीजिए। ये डेफिनेशन या ये कंसेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्फेरिकल ट्रायंगल किसी स्फेयर पर तीन पॉइंट्स लेकर कैसे बनता है, इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए। आप मतलब आपको अभी फ़िलहाल याद क्या रखना है कि ये जो मेरा ट्रायंगल है एबीसी, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है, ये ग्रेट सर्कल आर्क से बन रहा है, और ये पूरा ट्रायंगल एक स्फेयर पर बैठा हुआ है। वो स्फेयर हमने यहाँ शो नहीं किया है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद, अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करें, ए डैश बी डैश और सी डैश, ये कौन है? ये है पोल्स। किसके? ए डैश है पोल बी सी का, बी डैश है पोल सी ए का, और सी डैश है पोल ए बी का, क्योंकि आगे हमने लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे कि माना ए डैश बी डैश सी डैश क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के पोल्स हैं। अब आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की आ रही है कि अब हम पोल की डेफिनेशन को दिमाग में लेकर आए। देखिए हमने क्या कहा था कि साहब अगर मेरे पास कोई भी एक ग्रेट सर्किल आर्क है तो मेरे इसके दो पोल्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, याद आ गया आपको। तो अब यहाँ पर हम अगर पूरा ग्रेट सर्कल ना बना के खाली इस ग्रेट सर्कल का खाली एक आर्क बनाए तो वो जो दो पोल्स हैं वो इसके भी कहलाएंगे। यानी या तो हम पूरा ग्रेट सर्कल बना दें तो भी वो इसी के पोल है, या हम केवल पूरा ग्रेट सर्कल ना बना के केवल उस ग्रेट सर्कल का एक पार्ट बनाए, यानी केवल आर्क बनाए, तो भी वो उसी के पोल्स कहलाएंगे। तो यही बात यहाँ आपको समझने की है कि साहब ये जो बी सी है ना, बी सी ये एक ग्रेट सर्किल आर्क है, यानी ये किसी पूरे ग्रेट सर्किल का एक पार्ट है। तो इस बी सी के दो पोल्स होंगे, एक इसके ऊपर होगा एक इसके नीचे होगा। तो हमने जो बी सी का ये जो पोल कंसिडर किया है ए डैश, ये ऊपर वाला किया है, एक पोल इसका नीचे भी होगा, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। सिमिलरली जो दो बाकी आर्क्स हैं, कौन से वाले? एक तो सी ए, देखिए आप ये सी ए, इसके भी दो पोल्स होंगे, तो इसके हम इस पोल की बात कर रहे हैं बी डैश की, और एक हम लेंगे ए बी आर्क, इसके भी दो पोल्स होंगे, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं इसका पोल ये है। मतलब समझने की बात क्या है कि ये जो मेरे पास
तीन आर्क है ना सब, कौन से वाले, बीसी, सीए और एबी, इन तीनों के दो दो पोल होंगे, तो उन दो दो में से हम एक एक पोल ही ले रहे हैं। ए डैश किसका पोल है, ए डैश पोल है आपका बीसी का, बी डैश पोल है सीए का, और सी डैश पोल है एबी का। अब आगे की लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पोल्स जो दो दो में से किस एक एक को लिया गया है, यानी अभी मैंने आपको क्या कहा कि इनमें से हर एक आर्क के दो पोल हैं पर हमने एक ही कंसीडर किया, क्यों, तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है, देखिए क्या कह रहे हैं अपन कि ये पोल्स लाई करते हैं मतलब स्थित हैं ऑन द सेम साइड ऑफ देम एज द अपोजिट एंगल्स ए बी सी। मतलब आपको जैसे अपन सपोज बात करते हैं बी सी आर्क की, इस बी सी आर्क के दो पोल्स हैं, एक मैंने आपको कहा ऊपर है एक इसके नीचे है, तो आपको वो वाला पोल कंसीडर करना है जो एक ही सेम साइड पे लाई करे, क्योंकि ये क्लियर लिखा है दीस पोल्स लाई ऑन द सेम साइड एज द अपोजिट एंगल्स ए बी सी, यानी बी सी के लिए आपको वो पोल कंसीडर करना है जो एक ही और लाई करे। अब ये वाला जो पोल होगा ना सब नीचे वाला, ये ए के अपोजिट है, ये एक ही और वाला नहीं है, इसलिए हमने ऊपर वाला पोल लिया है। इसी प्रकार बी डैश की क्या खासियत है, बी डैश पोल बी की ओर लाई कर रहा है, ये ए सी का पोल है, ये ए सी के जो इधर वाला पोल होगा वो हमने कंसीडर नहीं किया, ऐसे सी डैश लिया है। तो इस प्रकार से जो हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने इन तीनों आर्स के एक एक पोल कंसीडर कर लिए, और फिर अब हमने इन तीनों पोल्स को, ए डैश को, बी डैश को और सी डैश को, ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर लिया, और वो ग्रेट सर्कल आर्क देखिए ये। अब ये वाली बात आपको समझनी है कि कोई, अब ये जो पॉइंट है ना साहब, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये भी उसी स्फीयर पर होंगे जिस स्फीयर पर ए, बी और सी स्थित है। तो अगर ये स्फीयर पर हैं तो मैं इनको ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये बात आपको पता है कि किसी भी स्फीयर पर दो पॉइंट्स को हम हमेशा ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ट्रायंगल बनेगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये कहलाएगा ए बी सी ट्रायंगल का पोलर ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, पोलर ट्रायंगल। और फिर मैं आपको बाद में ये एक बात नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा कि ए डैश, बी डैश, सी डैश जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये ट्रायंगल ए बी सी का कहलाएगा पोलर ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी का कहलाएगा पोलर ट्रायंगल। और एक्चुअली ये वाली बात जो होती है ना, ये रेसिप्रोकल होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के पोलर ट्रायंगल कहलाएंगे। ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर अभी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको ये बात सोचनी है कि ए से ए डैश तक की लेंथ, यानी अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ, जब भी मैं किसी दो पॉइंट्स को मिलाता हूँ, याद रखना वो हमेशा ग्रेट सर्कल आर्क से मिलाया जाता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, तो ये तीनों ग्रीन कलर के जो आर्क बने, इन तीनों की लेंथ पाई बाई टू से लेस होगी। ये बात मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप क्यों, और इसका रीज़न ये लिखा है, ये इसका रीज़न भी लिखा है, अगर रीज़न पढ़ के भी आपको समझ में आ जाए देन इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप, थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ क्या है, एक्चुअली सारी चीज़ थ्री डायमेंशनल है, तो आपको इसको दिमाग में सोचना है। फर्स्ट चैप्टर ही है आपका थ्योरेटिकल, सेकंड चैप्टर में आपको इतना थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे, वो करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस चैप्टर पर आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया, कोई भी आपके सजेशन इम्प्रूव और कोई भी आपके क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।